हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्पाई में और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों यार, टाइम हो चुका हमारे यहाँ पे टेक्निकल अपडेट्स का। तो यार, ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए देख लेते हैं कि आज के हमारे टेक्निकल अपडेट्स क्या है। तो दोस्तों यार, बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपडेट के बारे में। तब तक दोस्तों, आप जो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जितने भी दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब के रीति रिवाज है सभी दोस्तों यहाँ पर पूरे कर दो। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहली अपडेट के बारे में, तो वो निकल के आता है दोस्तों यहाँ पे थॉमसन टीवी की तरफ से। दोस्तों थॉमसन टीवी ने जो है इंडिया में अपनी स्मार्ट एंड्रॉइड टीवी जो है लॉन्च कर दी है। और दोस्तों इसके प्राइस के बारे में बात की जाए तो 10,999 रुपए में जो आप इसको परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले अपडेट के बारे में, तो अगला अपडेट निकल के आते हैं यहाँ पे Redmi की तरफ से। Redmi 9 Prime स्मार्टफोन जो दोस्तों 4 अगस्त को इंडिया में लॉन्च होगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अगले अपडेट के बारे में, तो दोस्तों अगला अपडेट निकल के आते हैं यहाँ पे Realme 6i स्मार्टफोन को लेकर के। दोस्तों कल जो है ये स्मार्टफोन ऑन द सेल यहाँ पर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अगले अपडेट के बारे में, तो Huawei कंपनी ने जो दोस्तों यहाँ पर Samsung कंपनी को स्मार्टफोन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। काफी दोस्तों यहाँ पर जो है Huawei ने बड़ी ब्रांड को जो पीछे छोड़ दिया है। बात करते हैं दोस्तों अगले अपडेट के बारे में, तो अगला अपडेट निकल के आता दोस्तों यहाँ पे Samsung Galaxy Note 20 Pro स्मार्टफोन को लेकर के। दोस्तों इसकी प्राइस जो है यहाँ पर पहले लीक हो गई है। और दोस्तों इसकी प्राइस जानने के लिए, अगर दोस्तों आप इसकी प्राइस जानना चाहते हैं तो पहले अपने दिल को संभाल लीजिए। और अगर दोस्तों आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो भूल जाइए, आपके पास एक दो किडनी है, आपके पास दोस्तों सिर्फ एक किडनी है। दोस्तों यहाँ पे Note 20 अल्ट्रा स्मार्टफोन की प्राइस जो है यहाँ पर 1,00,000 रुपीज बताई जा रही है। साथ ही दोस्तों इसकी प्राइस जो है अभी 1,000 रुपए 1,500 रुपए ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो दोस्तों यार, काफी महंगे स्मार्टफोन होते हैं नोट सीरीज के यहाँ पे। बात करते हैं दोस्तों अगले अपडेट के बारे में, तो अगला अपडेट निकल के आता है दोस्तों यहाँ पे वन प्लस की तरफ से। वन प्लस 8T स्मार्टफोन जो दोस्तों इसी साल इंडिया में लॉन्च हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों इस साल में वो कौन सा महीना है, कौन सा दिन है, कौन सा टाइम है जब ये लॉन्च होता है। तब तक दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगले अपडेट के बारे में, तो Samsung Galaxy M31s स्मार्टफोन जो दोस्तों इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोस्तों अगले अपडेट के बारे में, तो अगला अपडेट दोस्तों काफी राहत भरा अपडेट है। अगर दोस्तों आप Redmi K20 Pro स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं तो स्मार्टफोन पर जो है दोस्तों आपको यहाँ पर 6000 रुपीज तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर दोस्तों आप परचेज करना चाहते हैं K20 Pro स्मार्टफोन, तो दोस्तों उस पर जो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले अपडेट के बारे में, तो अगला अपडेट है दोस्तों यहाँ पे WhatsApp की तरफ से। आपकी चैट जो दोस्तों अपने आप डिलीट हो जाएगी। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसा एक अपडेट दे सकता है जिसके अंदर दोस्तों आपकी चैट जो है खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी। देखते हैं दोस्तों ये अपडेट कैसा होता है, क्या कुछ है दोस्तों इस अपडेट में, अपने आप चैट डिलीट हो जाएगी। बात करते हैं दोस्तों अगले अपडेट के बारे में, तो दोस्तों अगला अपडेट निकल के आते हैं यहाँ पे Honor की तरफ से। Honor 9A स्मार्टफोन जो दोस्तों कल लॉन्च होगा, पर प्राइस जो दोस्तों मैं उसकी आज ही बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसकी प्राइस भी जो है यहाँ पर लीक हो गई है। और इसकी प्राइस जो दोस्तों यहाँ पर 11,999 रुपीज है स्मार्टफोन है। बात करते हैं दोस्तों अगले अपडेट के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर जो है पहले 59 चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुई, अब दोस्तों यहाँ पर आपकी 250 और यहाँ पर चाइनीज एप्लीकेशन है जो कचरा दोस्तों इंडिया से उड़ा दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर वो कौन सा कचरा है मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि दोस्तों टिकटॉक लाइट, ये उसका कचरा। पबजी मोबाइल लाइट, ये उसका कचरा। दोस्तों सिमिलरली इसी तरह से यूसी ब्राउजर लेंगे, यूसी ब्राउजर लाइट आ जाएगी, वो पैरामिनी लाइट आ जाएगी। और दोस्तों इनके लाइट ऐप है, तो दोस्तों इंडिया ने कहा कि लाइट हो या कोई भी ऐप हो चाइनीज है उड़ा दो। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस सभी 250 एप्लीकेशन जो है यहाँ पर इस तरह के एप्लीकेशन है, और दोस्तों उन सभी को जो है इंडिया से भगा दिया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों अगले अपडेट के बारे में, तो अगला अपडेट निकल के आता है दोस्तों यहाँ पे मोटरोला की तरफ से। मोटरोला G8 पावर लाइट स्मार्टफोन जो है दोस्तों आज आपके पास एक बेहतरीन मौका था खरीदने का। अगर दोस्तों नहीं खरीद पाए और खरीदना चाहते हो तो मौका यार हाथ से जा चुका है, कोई बात नहीं, अगली बार परचेज कर लेना यार। बात करते हैं दोस्तों अगले अपडेट के बारे में, तो अगला अपडेट निकल के आता है दोस्तों यहाँ पे ओप्पो रेनो 4 प्रो स्मार्टफोन को लेकर के। तीसरा लीक है दोस्तों, ये आज का तीसरा लीक है दोस्तों, जिसके अंदर प्राइस जो है यहाँ पर पहले सैमसंग की लीक हुई, उसके बाद दोस्तों Honor की लीक हुई, अब दोस्तों यहाँ पे ओप्पो रेनो 4 प्रो स्मार्टफोन जो है उसकी प्राइस भी जो है लीक हो गई है। ये स्मार्टफोन भी दोस्तों कल आपका लॉन्च होगा, पर दोस्तों इसकी प्राइस जो है मैं आपको बता देता हूँ,
ओप्पो रेनो प्रो 4 स्मार्टफोन की प्राइस है दोस्तों यहाँ पर 32,499 रुपीज। और दोस्तों यहाँ पर प्राइस जो अभी एग्जैक्ट नहीं है, हो सकता है दोस्तों कल तक जब लॉन्च होगा तो प्राइस यहाँ पर 500 रुपीज बढ़ भी सकती है। बात करते हैं दोस्तों अगले अपडेट के बारे में, तो अगला अपडेट निकल के आता दोस्तों यहाँ पे वन प्लस की तरफ से। वन प्लस नोड ने दोस्तों बहुत ही तहलका मचाया, मार्केट में आया और दोस्तों ऐसा स्मार्टफोन 5G बजट वन प्लस का मिड रेंज स्मार्टफोन ये सब कुछ पर समस्या आ गई दोस्तों यहाँ पर स्मार्टफोन के अंदर। और समस्या यहाँ पर ये आई है वन प्लस नोड की डिस्प्ले के अंदर, जो दोस्तों यहाँ पर यूजर्स बता रहे हैं उनको टिंट सा देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों डिस्प्ले जो है थोड़ी सी यहाँ पर सही नहीं है, उसके अंदर थोड़ा डिफेक्ट आ गया है। खैर दोस्तों बात करते हैं हमारे यहाँ पर आखिरी और लास्ट अपडेट के बारे में, तो वो निकल के आता है दोस्तों यहाँ पे पोको M2 Pro स्मार्टफोन को लेकर के ही। दोस्तों इस स्मार्टफोन को भी जो है आज यहाँ पर एक सेल थी, जिसके अंदर अगेन दोस्तों आपके पास यहाँ पर खरीदने का एक चांस था, अगली बार भी खरीद सकते हैं और दोस्तों इस बार नहीं खरीद पाए तो। दोस्तों ये थे आज के कुछ टेक्निकल अपडेट्स, कैसे लगी दोस्तों आपको आज के ये टेक्निकल अपडेट्स, आप जो दोस्तों नीचे मन की बात कमेंट सेक्शन में ओहो मतलब दोस्तों अपने मन की बात और दोस्तों किसी भी तरह का कोई डाउट वगैरह या फिर कोई सुझाव वगैरह आप देना चाहो तो आप जो दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। यूट्यूब ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम किया हुआ है कमेंट के लिए, दोस्तों आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, भाई को मोटिवेट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी टेक अपडेट्स के लिए, ऐसी टेक्निकल वीडियोज के लिए। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको ऐसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।